इस दुनिया में हर कोई सपने देखता है, कोई छोटे सपने देखता है, कोई बड़े सपने देखता है। जो लोग बड़े सपने देखते हैं, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारे बस में ही नहीं है। अगर आप भी उनमें से हैं जो बड़े सपने देखते हैं और लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। 94.3 FM से मैं हूं RJ कार्तिक। एक बार की बात है, एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया करता था और उसके जो पापा थे वो एक अमीर सेठ के यहाँ पर नौकर थे। बच्चा पापा के साथ कभी कभी जाता था, देखता था कि पापा क्या काम करते हैं। तो पापा जो थे वो बड़ी बड़ी लग्जरी जो कार्स होती हैं उनकी साफ सफाई किया करते थे, गाड़ियों की साफ सफाई करते, इतना बड़ा बंगला, नौकर थे वहां पर। बच्चे को लगता था कि एक दिन ऐसा आए जब मेरे पापा इन गाड़ियों की सफाई ना करें, इनमें बैठें। एक दिन उनके स्कूल में टीचर ने कहा कि सब बच्चों को अपने सपने पर निबंध लिख करके लाना है। सबने ऐसे लिखा, बच्चे ने भी लिखा अपने ड्रीम पर। अगले दिन पहुंचा, कॉपी सबमिट करवाई। टीचर ने जब रिजल्ट अनाउंस किया तो हर बच्चे को पास किया, बढ़िया नंबर दिए, इस बच्चे को फेल कर दिया। बच्चे को समझ नहीं आया हुआ क्या, गया टीचर के पास जाकर के कहा कि सर मुझसे क्या खता हुई कि आपने सजा दी। तो टीचर ने कहा कि तुम अपने बस का कुछ लिखते, ऐसा लिखते जो कुछ हो सकता है, तुमने वो चीज लिख दी जो हो ही नहीं सकती। मतलब तुम खुद की हालत देखो, तुम लिख रहे हो तुम्हारे पास कार्स होंगी, लग्जरी कार्स होंगी, इतना बड़ा घर होगा। एक मौका और देता हूं, आज जाओ घर पर, दोबारा से सोचो, कुछ अपने बस का लिख कर के लाओ तो मैं पास कर दूंगा। बच्चा गया घर पर, शाम में जाकर के उसने सोचा समझ नहीं आया, रात में सोते सोते सोचा समझ नहीं आया। उसको तो वही सपना चल रहा था कि बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, पापा उन गाड़ियों में बैठेंगे, इतना बड़ा घर हमारा होगा। अगली सुबह बच्चा गया, उसने कहा सर आपको फेल करना है तो आप कर दो, मैं नहीं अपना सपना बदलूंगा, मेरा सपना यही रहेगा। टीचर ने कहा जो मर्जी, फेल कर दिया। बहुत सालों के बाद एक ऑडिटोरियम में एक बंदा अपनी सक्सेस की कहानी सुना रहा था और यही टीचर जब इनकी उम्र ढल चुकी थी नीचे बैठे हुए थे। वो स्पीच खत्म करके आया, इनके पैर छुए और कहा कि सर वही बच्चा हूं जिसको आपने अपना सपना लिखने पर फेल कर दिया था। ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बशर्ते आप बड़ा सपना देखें। मैंने एक दिन सपना देखा कि मुझे इस दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर में जाना है जिसका नाम है लंदन। 17-18 जनवरी के लगभग की तारीख रही होगी, इंस्टाग्राम पर मैंने एक पोस्ट किया ट्रैवल गोल्स, उसमें लंदन आई का फोटो डाला और 1 नवंबर 2017 की तारीख थी, मैं लंदन में था और उसके बाद लंदन आई घूमा भी। जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इसीलिए बड़े सपने देखिए और आपसे वही कहूंगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप माय FM सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे पेज पर एक नई कहानी।